कितना खुशी। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। आप सभी जो कि मेरी वीडियो देख रहे हैं अभी, आप सभी को हैप्पी दिवाली और हमारे गांव अलहर की तरफ से आप सभी को हैप्पी दिवाली, यानी कि दिवाली की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज मैं आपको अपने गांव के अंदर जहां कहीं भी दीवे अधिक मात्रा में जलाए जाते हैं वो सभी व्यू आपको दिखाने वाला हूँ। लगभग मैं शोर करूँगा पूरे गांव को, तो आप कंटिन्यू बने रहिए और देखिए लास्ट तक। अभी मैं शुरू करता हूँ हमारे ही गांव के खेड़ा बाबा की तरफ से। तो ये देखिए कितने सारे दीवे जलाए गए हैं यहाँ पर, यानी कि मैं लेट हो चुका हूँ अभी तक। तो बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पर आकर के और दीवे जला के जा चुके हैं। और ये देखिए एक छोटा सा बच्चा जो कि बहुत ही श्रद्धा पूर्वक दीवे जला। अब तक कहाँ कहाँ जला के आ चुके हो? कहाँ कहाँ तक जला के आए? पुराने खेड़े पे। अच्छा पुराने, अभी ये नए खेड़े पे आए हो। चलो पुराने खेड़े पे अभी दीवे की संख्या कितनी है? बहुत सारी है। चलो मैं भी वहाँ पे जाकर के देखता हूँ, तो बहुत ही अच्छा। और अभी मैं कोशिश करूँगा कि दूसरी जगह जाने की, तो कंटिन्यू आप व्लॉग में बने रहिए और देखते रहिए। अगर आप कहीं दूर है तो यहीं से देख करके एंजॉय कीजिए। अभी मैं पहुंच चुका हूं बीच के खेड़े पे, यानी कि प्राचीन खेड़े पे। यहां पे भी दीवों की संख्या कहीं अधिक है, कोई कमी नहीं है। गांव के सभी नागरिक यहां पर भी आकर के दीवे आदि जला करके माथा टेक करके और यहां से भी जाते हैं। जो भी चढ़ावा चढ़ाते हैं, मतलब जो मुरमुरे खेल ये सब होते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, जो कि देखने लायक है। आप लोग से उम्मीद करूँगा कि जहाँ कहीं भी है वहीं से देख करके दिवाली के लिए दर्शन कर लीजिए। कुछ इस तरह से हैं, जितना हो सके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। और जैसे हम यहाँ पे आए तो पुजारी जी भी यहाँ पर बैठे हैं कंटिन्यू सुबह से लेकर के। चलिए बहुत अच्छा, और ठीक है पुजारी जी? चलिए बहुत अच्छे। ये अभी मैं आया हूँ बड़ी धर्मशाला पे, जहाँ पर दीवा जला करके बड़ी धर्मशाला की शोभा बढ़ाई गई है। यहाँ पे पहुँचा हूँ गांव के हमारे रविदास जी के मंदिर के पास, वहाँ पे भी बहुत सारे दिए जलाए गए हैं। अभी मैं आपको रविदास जी के मंदिर के अंदर जा करके दिखाता हूँ। तो अभी मैं चलता हूँ मंदिर के अंदर और दिखाता हूँ, यहाँ पर भी बहुत सारे दीवे जलाए गए हैं जो कि बाबा जी के बिल्कुल सामने हैं। और इस तरह प्रकार से देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से। बाकी आप कंटिन्यू बने रहिए और देखते रहिए लास्ट तक, कि मैं आपको हर जगह भ्रमण करवाने वाला हूँ आज। और हमारे यहाँ रजत भाई जी के पास जब भी आया मैं जैसे ही, तो यहाँ जी भाई जी ने भी अपने घर के अंदर ही दीवे वगैरह जला करके दिवाली मना रहे हैं। कैसे हैं भाई जी? बढ़िया जी। मैं पहुँच चुका हूँ गांव के समाज मंदिर पे, यहाँ पे भी बहुत सारे लोगों ने दीवे वगैरह जला करके समाज मंदिर की भी शोभा बढ़ाई गई है। एक्चुअली मेरा सांस चढ़ रहा है इसलिए, क्योंकि इस साइकिल से मैं घूम रहा हूँ, घूम घूम के वीडियो बना रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आप मेरी मेहनत को जाया नहीं जाने देंगे। और इस तरह से ये देखिए मैं आपको पूरा कवर करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। इस तरह से पूरे गांव में आज दिवाली का माहौल है दिए का, जो कि आप देख रहे हैं। बहुत अच्छा, सुंदर, लाजवाब, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं पहुंच चुका हूं हनुमान मंदिर, यहां पे भी दीवों की संख्या कहीं अधिक है और जगह के कंपैरिजन में। बाकी यहां पे भी बहुत ही अच्छे तरीके से गांव के सभी व्यक्तियों ने लगभग, देखो कितने सारे दीवे और कट्टे के अंदर भी पैक कर दिया गया। और बाकी ये देखिए बहुत ही ज्यादा। और जैसा कि आप देख पा रहे थे, खेड़े के पास भी ये लड़का मुझे मिला था, और यहाँ पे भी है। और कितने जगह रह गए? एक
हाँ अच्छा शिव जी के वहाँ भी जाओगे, चलो बहुत अच्छा। और जैसे कि हर मंदिर के पास एक पुजारी के रूप में बैठे होते हैं, यहाँ पे हमारे बाबा जी बैठे हैं और इस तरफ अंकल जी है जो कि यहाँ पे देख रेख के लिए। और अब आपको लेकर चलता हूँ माड़ी, वहाँ पे भी दिखाते हैं आपको किस तरह से दीवों की संख्या है। अब हम चलते हैं माड़ी के अंदर, यहाँ पे भी ओ माय गॉड देखने लायक सीन है यहाँ पर, मतलब काफ़ी अच्छा यहाँ का भी माहौल है जो कि आप अभी देख रहे हैं। तो नया माड़ी बना है, सबसे पहले आप सभी को बधाई हो इस चीज़ के लिए, नए माड़ी के लिए। और देखिए किस तरह से यहाँ पर भी दीवे लगा करके इनकी शोभा बढ़ाई गई है, बहुत शानदार शानदार, मुझे बहुत अच्छा लगा देख करके। और सफाई भी बहुत ही अच्छे ढंग से की गई है यहाँ की, जो कि इस माड़ी की शोभा बढ़ाती है। चलिए अब आपको लेकर के चलता हूँ राधा कृष्ण मंदिर, और वहाँ का नज़ारा भी आप लोग देखेंगे और दर्शन कीजिए। बाकी कंटिन्यू मेरे साथ बने रहिए और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और इसी के बाद एक यहाँ पर कुआं है, मतलब ये कुआं बोलते हैं इसको, यहाँ पे भी चारों तरफ दिए लगाए गए हैं जो कि इस तरह से हैं। जहाँ पर मेला लगता है वहीं पर एक माता जी का मंदिर है, यहाँ पे भी गांव के अधिकांश लोगों ने दीवे लगाए हैं और ये सिलसिला शाम के 4 बजे से चलता आ रहा है। और देखिए कुछ इस तरह से हैं, यहाँ पे भी बहुत सारे दिए लग चुके हैं और वहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ तक ख़त्म हुआ, अब नीचे लगना स्टार्ट कर दिया है, भाई नीचे ही लगा रहा है देखो। बाकी बहुत अच्छा है यहाँ का भी। अभी मैं पहुंचा हूं शिव मंदिर, यानी कि यहां पर भी दीयों की संख्या कम नहीं है और इस तरह से यहां पर दीयों से भी सुशोभित किया गया है हमारे शिव मंदिर को। और चलिए अंदर लेके चलता हूं आपको, तो इस तरह से यहां का भी सीन है जो कि आप देख रहे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से यहां का भी सुशोभित किया गया है, बहुत शानदार शानदार, बहुत अच्छा लगा मुझे देख करके ये कि हर जगह लोगों की भावनाएं एक जैसी हैं, बहुत गजब। हैप्पी दिवाली आप सभी को, आप जहां कहीं भी हैं देख करके मेरे हिसाब से आप लोग खुश होंगे कि कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है। और इस तरफ दिखाए तो पीपल के पेड़ के पास भी दीवों की संख्या कम नहीं है। और ये रहे शिव मंदिर जो कि ऊपर से कुछ इस तरह से सजाया गया है, और पास में ही एक घर है जिला अंकल जी का, वो मैं थोड़ा क्लोज दिखाऊंगा आप लोगों को, तो वो भी देखिएगा। बाकी अंकल जी आप भी देख करके थोड़ा सा तो मुस्कुरा ही दीजिएगा। चलिए मैं चलता हूँ घर के पास, तो ये है हमारे जिला अंकल जी का घर जो कि कुछ इस तरह से सजाया गया है, ये देखिए। ये घर है हमारे अंकल जी जगमाल वर्मा जी का, यानी कि श्रीमती सीता देवी जी का, जिनकी आपने देखा होगा वीडियो मूर्ति स्थापना की, तो इनके घर पे भी चलते हैं देखते हैं कि किस तरह से दिवाली को मनाया जा रहा है।
और दिखाते हैं आप सबको कि दिवाली का कैसा माहौल है। तो कुछ इस तरह से बनाया गया है पूरा, और आ चुकी है हमारी आंटी जी। हैप्पी दिवाली आंटी जी। थैंक यू भाई, थैंक यू। और ठीक हो? हाँ ठीक है। तो चलिए अंदर लेके चलता हूँ, आंटी जी ने पूरा सजाया हुआ अंदर भी। और हाँ दिखा दी मैंने, बाहर से कर लिया जी। और आंटी जी ने तो रंगोली भी बनाया हुआ है, उसके साथ साथ दीवे वगैरह भी जलाए गए हैं, तो आपको दिखाता हूँ। और हो क्या बात है, बहुत ही अच्छे तरीके से रंगोली, और राम जी है, सीता जी है, लक्ष्मण जी, सबकी फ़ोटो के साथ इन्होंने अच्छे से मतलब दिवाली मनाने का ठाना है। बाकी बहुत अच्छा सजाया हुआ है इन्होंने। हाँ जी जरूर, बहुत ही अच्छे तरीके से, क्या बात है, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है इनका सजाया हुआ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये रही आंटी जी हमारी, बताओ दिवाली के लिए कुछ कहो। बहुत अच्छा, दिवाली मुबारक, सब ने, छोटे बड़ों ने, हमारे बच्चों ने, परिवार ने, सब ने मुबारक, सारे सब संसार ने मुबारक भाई। जी बिल्कुल, और जो दूर रह रहे उन सभी के लिए सबको मुबारक, हमारी बाहर रह रहे, जो हमारे परिवार रह रहे सब। जी बिल्कुल, सभी को दिवाली की बहुत बहुत मुबारक जी सबको। जी बिल्कुल जी बिल्कुल, सच्चा साईं बाबा जी। जी बिल्कुल। और देखिए मैं अंदर से मंदिर के भी दिखाता हूँ, आंटी जी के घर पे ही कहना है कि अंदर से भी दिखाओ। तो ये देखिए अंदर से भी आंटी जी ने बहुत ही, क्या बात है, यहाँ का दरबार भी बहुत ही अच्छा सजाया हुआ आंटी जी ने। चलिए बहुत अच्छे, यहाँ का दरबार भी है आंटी जी का, बहुत अच्छे। और ये देखिए रूम है आंटी जी का। अंकल जी आप देख रहे होंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बाकी ये इनका घर है, काफ़ी अच्छा घर है, बहुत ही अच्छा, ज़बरदस्त। और अब मैं दिखाता हूँ स्कूल, यानी कि जो हमारी विद्या की मंदिर है, वहाँ पर भी गाँव के बहुत से बच्चों ने, या जो भी इस स्कूल से पढ़े हैं या विद्या की देवी मानते हैं, वो यहाँ पर दिए वगैरह जला करके गए हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से है। देखिए बहुत अच्छे, बहुत ही गजब, मुझे देख करके बहुत अच्छा लगता है कुछ इस तरह का सीन। आप लोगों को कैसा लग रहा है बताइए जरूर, मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ। और अभी मैं पहुँचा हूँ शहीद उधम सिंह जी की प्रतिमा, जहाँ पर बनाई गई है हमारे ही गांव के अंदर, वहाँ पे भी दिए वगैरह लगा करके यहाँ के प्रतिमा की शोभा बढ़ाई गई है। और ये रहे शहीद उधम सिंह जी। लास्ट में मैं वीडियो को पहुंचा हूं नहर पे, यहां पे भी दियों की संख्या कहीं अधिक है। और कुछ इस तरह से लास्ट तक देखिए, कुछ इस तरह से दियों की संख्या पूरी सजाई गई यहां पर भी। और इस तरफ भी है। और चलिए चलते हैं माता जी की, यहां पर एक छोटा सा मंदिर है,
वहाँ पे भी आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर भी किस तरह से सजाया गया है। तो चलिए अंदर से दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे भी पीपल के पेड़ के पास बहुत अधिक मात्रा में दिए आदि वगैरह जलाए गए हैं, ये देखिए। क्या बात है, और यहाँ पर माता जी के चरणों में जो भी जिसकी भी श्रद्धा होती है उसके हिसाब से यहाँ पर भी चढ़ावा चढ़ाया गया है और दिए जलाए गए हैं कुछ इस तरह से। तो जो अभी आपने वीडियो देखा लास्ट तक, जो कि मैंने आपको पूरे गांव में भ्रमण करके दिखाया, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है, थोड़ी सी भी अगर अच्छी लगी है, अगर दूर रहते हुए भी आपको गांव की याद आई है और आपने मेरी वीडियो देख करके कुछ यादें ताज़ा हुई है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करके हमारे साथ जुड़ जाइए, ताकि इस तरह के कोई भी अगर ऐसी वीडियो चाहिए तो मुझे कॉमेंट कीजिए, मैं आपको वीडियो बनाकर डालूँगा। तो ऐसे ही बने रहिए। थैंक यू सो मच गाइस, आपने वीडियो को लास्ट देखा। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं किसी और नए फेस्टिवल में।